आप अप्रैल से अभी तक देखेंगे तो कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है जोमेटो। ऊपर का जो रेंज हो गया वो 195 का हो गया और नीचे 180, इसी रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। अभी वापस रेंज के लोअर एंड पे आ चुका है, एक सपोर्ट एरिया है। मुझे लग रहा है यहाँ से एक बाउंस बैक देखने में मिल सकता है, तो होल्ड करे इस पोजिशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना वो 175 का एस एल मेंटेन करे। हमें लगता है कि इसने वापस 195 से 200 तक का लेवल जल्द देखने मिल सकता है जोमेटो पे। ठीक है जी, तो रुक जाइए फिर यहाँ पर। आपको आपका जो जोमेटो है वो 195 से 200 तक के लेवल्स आपके 1-2 महीने के पीरियड में दिखा सकता है। होल्ड करेंगे 175 के स्टॉप लॉस के साथ। जोमेटो अक्सर ये होता है, जोमेटो बोले या जोमेटो बोले, वो एड्स भी आप टीवी पे देखते हैं, राइट। लेकिन अगले कॉलर हैं हमारे साथ, हमारे विकास अग्रवाल साहब जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से कॉल कर रहे हैं। गर्म यहाँ भी बहुत है विकास जी, होप जल्दी से आपको राहत मिले इस गर्मी से। मानसून की दस्तक हो चुकी है देश के अंदर, लेकिन आपके बारिश हो गई। पोर्टफोलियो में जी क्या स्थिति है वो देख लेते हैं, बारिश। बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हम मेरे पास 100 शेयर्स हैं एपीएस माइंड के 1099 पे, और 300 शेयर हैं बर्जर पेंट के 655 पे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, टिल मतलब होल लाइफ रख सकता हूँ। ओके चलिए, अच्छी बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी आशीष बताएंगे कि क्या किसी शेयर को, या ये दो शेयर हैं ये ऐसे हैं जिन्हें जिंदगी भर रखना चाहिए। और दूसरा मौजूदा स्थिति देख लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड में 100 शेयर हैं, वहां पर भी घाटा है करीब 308 रुपए से ज्यादा का। बजो पेंट्स यहाँ पे 300 शेयर हैं आपके पास, यहाँ पर भी घाटा है 177 रुपए का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आशीष जी, पूरी जिंदगी भी रखने की बात कह रहे हैं, खैर वो अपने आप में एक अलग सवाल। फिलहाल क्या करना चाहिए जी? हैप्पीएस्ट माइंड एक क्लियर अंडर परफॉर्मर रहा है, और जहां हमने देखा मिड कैप आईटी में बहुत अच्छा रन अप बना स्टॉक्स लाइक बिरला सॉफ्ट परसिस्टेंट, इसमें वैसा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया। और गिरावट के समय हमेशा इसमें हम देखते हैं कि गिरावट काफी स्टीप रहती है, तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें 780 का। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट करने की सलाह है। इनका भाव आने में इन्हें काफी टाइम देना पड़ेगा हैप्पीएस्ट माइंड में। इन लेवल्स पे एवरेज करने की सलाह नहीं है। अगर इन्हें टेक स्पेस में ही बाय करना है तो शायद बिरला सॉफ्ट या परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स मिड कैप आईटी से ज्यादा बेटर प्लेस है, तो उसमें यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। अगर मैं बजर पेंट की बात करूँ तो इसमें भी गिरावट काफी हो चुकी है, लेकिन एक अहम सपोर्ट लेवल के पास आ चुका है। ऑलमोस्ट 52 वीक लो पे ये स्टॉक चल रहा है, और लास्ट ईयर अप्रैल मार्च में इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करके एक स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो होल्ड करें इस पोजीशन को। यहाँ पर अगर चाहिए तो थोड़ा सा ऐड भी किया जा सकता है, सो दैट एवरेजिंग हो जाएगी इनकी। यूजुअली हम एवरेजिंग की सलाह नहीं देते, बट अच्छे स्टॉक्स बर्जर पेंट जैसे स्टॉक्स में एवरेजिंग किया जा सकता है इन लेवल्स पे, सिंस इनका होराइजन लॉन्ग टर्म का है। तो यहाँ पे अच्छा एक जोन बन गया इन्वेस्टमेंट के परस्पेक्टिव से बर्जर पेंट में। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है पूरे पोजिशन पे, वो 460 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे 460 का। मुझे लग रहा है इसमें एक वापस अच्छा बाउंस बैक और अपसाइड स्विंग देखने मिल सकता है बर्जर पेंट्स पे। ठीक है, तो